बस्तर में नक्सली संगठन द्वारा हर साल 21 सितंबर से 27 सितंबर तक अपने स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2004 से नक्सली स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। स्थापना दिवस के दौरान नक्सली अपने बड़े नक्सली लीडरों को याद कर उनके स्मारक में श्रद्धांजलि देते हैं और भारत बंद का आह्वान करते हैं। अपने बंद को सफल बनाने के लिए नक्सली अपने इस स्थापना दिवस पर बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन इस साल बंद को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस ने पहले ही नक्सलियों के स्थापना दिवस को देखते हुए सारे पुलिस कैंपों को अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के साथ ही रेलवे प्रशासन ने भी एहतियात बरतते हुए जगदलपुर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब आने वाले 7 दिनों तक किरंदुल तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगे, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि अपने स्थापना दिवस के पहले बीजापुर और दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 2 वारदातों को अंजाम दिया। इन वारदातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप और थाना चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा बल तैनात कर चेकिंग प्वाइंट बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में जारी रहेगा। फिलहाल नक्सलियों के बंद से अंदरूनी क्षेत्रों में आवागमन बाधित न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा स्थापना दिवस मनाते हैं। इस दौरान किसी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देना है, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है एवं अनेक प्रकार का जो गतिविधि में उन लोगों का काम करने के लिए योजना रहते हैं, इसको विफल करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा भी अंदरूनी एवं सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अभी अभियान संचालित की जा रही है।